पानीपत हाली पार्क में दिव्यांगों और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए बनेगा स्पेशल स्कूल। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा यह स्कूल। हाली पार्क में दिव्यांग व मानसिक रोगी बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कूल बनाया जाएगा। पानीपत रिफाइनरी के सहयोग से 5,70,00,000 की लागत से बनेगा स्पेशल स्कूल। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से डीसी सुमेधा कटारिया, करनाल लोकसभा सांसद की पत्नी अंजू भाटिया व रिफाइनरी के अधिकारियों व अन्य समाज सेवी लोगों ने भूमि पूजन कर इसकी नींव रखी। आज आईओसीएल रिफाइनरी स्पॉन्सर स्पेशल स्कूल, जो मुझे लगता है केवल मेरा ही नहीं, इस शहर का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, आज उसको धरा मिली है और उस धरा का भूमि पूजन हुआ है, ताकि ये काम जो है आने वाले 7-8 महीने में हम संपन्न कर सकें। और लगभग 300 से 350 बच्चे को जो मानसिक रूप से दिव्यांग हैं या श्रवण बाधित हैं, उनको किस तरह से हम अपने लायक बना सकें, सेल्फ रिलायंट बना सकें, उनको स्किल एम्पावर्ड बना सकें और वो एक आत्मसम्मान के साथ ज़िंदगी जी सकें। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जिन परिवारों में ऐसे बच्चे हैं, वहाँ उन माओं को भी थोड़ी सी हम राहत प्रदान कर पाएँ, एक डे केयर के रूप में भी हम उन बच्चों को यहाँ पे रख पाएँ। इस दृष्टिकोण से रिफाइनरी के द्वारा 5,79,00,000 की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी स्कूल के निर्माण के लिए और तदोत्परांत 2 बसेस के लिए भी। तो हम तो रिफाइनरी के बहुत आभारी हैं, विशेष रूप से उनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर संजय भटनागर और आज कार्यकारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर सिकदार आए हैं, उनके हम आभारी हैं। मिस्टर त्रिपाठी आए हैं और विशेष रूप से आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री संजय भाटिया जी की धर्मपत्नी अंजू भाटिया जी ने यहाँ पर भूमि पूजन किया है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो केवल पैसे से नहीं बनने वाला, जो संवेदनाओं से बनेगा और संवेदनाओं से ही चलेगा। तो इस दृष्टिकोण से इस शहर की इस ऊर्जा को सलाम और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में इसका पूरा प्रबंधन हम सब शहर निवासी मिलकर के इसका संभालेंगे। एक बहुत बड़ा पड़ाव, इट्स अ लैंडमार्क डे फॉर दिस सिटी, स्पेशली फॉर द स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन ऑफ दिस सिटी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।